बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बीनास किचन में आपको खुश आमदीद। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि मेरी सारी फैमिली खैरियत से हो, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जज़ाकअल्लाह, और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। मेरी वीडियो तो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर दिया करें। मैं आपके लिए लेके आती हूँ इजी एंड डिलीशियस चीज़ें। तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं रैम्बो सैंडविच, जिसके लिए चीज़ें मैंने ली हैं ब्रेड, सिरका, दो अंडे जो मैंने उबाल के मैश कर लिए हैं, मक्खन, नमक, मायनीस, काली मिर्च, पुदीना और धनिए का ये चटनी, इसमें भी कुछ नहीं डाला, और केचप। चले शुरू करते। सबसे पहले हम अंडे रेडी करेंगे। इसमें 2 टेबल जाएगी मायनीस। हसबे ज़रूरत आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 चुटकी के करीब ना काली मिर्च, और इतना ही 2 चुटकी के करीब इसमें जाएगा नमक। इसको हम अच्छा सा मिक्स करके साइड पे रख देते हैं। पुदीने और धनिए की चटनी ली है, इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब मक्खन, 1 चुटकी जाएगा इसमें नमक, 1 चुटकी जाएगी काली मिर्च, और 2 चुटकी के करीब जाएगा पिसा हुआ शुगर पाउडर। इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। टमाटो केचप में भी मैं 1 टीस्पून के करीब मक्खन डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स कर लें। मैंने शुरू में सिरका बताया है ना, तो आप सिरके को अंडों में थोड़ा सा डाल लें। मैंने नहीं डाला क्योंकि हमारे तो यहाँ पे सबके एलर्जी का मौसम है ना, तो इसलिए हम नहीं यूज़ करते। अब मैंने ब्रेड लिए, इनके किनारे ना मैंने रिमूव कर लें। मैंने एक स्लाइस लिया है, इस पे मैंने मक्खन लगा दिया है, बाकी दूसरे पे भी लगा दिया है। पहले स्लाइस पे मैं लगाऊंगी केचप, ये स्लाइस रखे मैंने, इस पे मैं ग्रीन चटनी लगाऊंगी। चूंकि इसमें हरी मिर्चें नहीं है तो आप बिल्कुल आराम से ये बच्चों को बना के दे सकते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये स्लाइस रखे मैंने, इस पे भी मैं थोड़ा मक्खन लगाऊंगी। अब इस पे मैं लगाऊंगी अंडे वाला आमेजा, अच्छा सा कोट करना आपने। ये स्लाइस जो है हमने खाली रखना है और 10 मिनट के लिए इसको मैं फ्रिज में रखूँगी सेट होने के लिए, बाकी भी मैं इसी तरह तैयार कर लेती हूँ। 10 मिनट हो गए, स्लाइस को मैंने सेंटर से काटना है। बिस्मिल्लाह, अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें हमारे कितने मज़ेदार और ख़ूबसूरत से रैम्बो सैंडविच तैयार हो गए हैं। मैंने 2 शेप्स में काटे हैं, ये मैंने 2 पीसेस में काटे हैं, आप देख सकते हैं, और ये वाले जो है ना वो 3 पीसेस में, ये वाले। आप इनको बनाएं, खाएं, मेहमानों के लिए बनानी है, इनको बना के रैपिंग शीट में फ्रिज में रख दें, निकालेंगे तो बहुत ही मज़े के ये जुड़ चुके होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो उम्मीद है आप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट ज़रूर किया करें। आखिर में इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह हम सबको कोरोना जैसी मर्ज से बचा लेना, आमीन सुमामीन। अल्लाह हाफिज़।